कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। महोदय कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही फासला नहीं होता। माननीय मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी अपना पक्ष रखें। शांति शांति। माननीय शांति शांति। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सबसे तो पहले मैं अपने नेता और इस सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने जो राज्यपाल महोदय का निर्देश था कि आज तक उन्होंने कहा था कि 24 तक आप सदन का विश्वास हासिल कर लीजिए, उन्होंने आज ये विश्वास मत सदन में पेश किया है। और हम लोगों को भी, यानी सत्ता पक्ष के लोगों को भी और विपक्ष के भी माननीय सदस्यों को, अपनी अपनी बात इस सत्ता परिवर्तन के संबंध में कहने का मौका दिया है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रस्ताव पेश करने के लिए इन्हें मुबारकबाद देता हूँ। महोदय, हम क्यों गठबंधन में गए इनके साथ और क्यों आ गए इधर इनके साथ, उसके बारे में तो मैं बाद में कहूंगा। लेकिन सुनिए सुनिए, शांति शांतिपूर्वक सुनिए। लेकिन महोदय, हमारे मित्र तार किशोर जी ने अपनी बात को बशीर बद्र जी के एक शेर के साथ समाप्त किया है, तो मैं वहीं से शुरू करना चाहता हूं, बशीर बद्र जी से ही। कि बशीर बद्र जी ने आपने जो कहा वो तो सही कहा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। महोदय कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। अपना दिल टटोल कर देखिए, यूं ही फासला नहीं होता। महोदय मैं गठबंधन के संबंध में फिर बाद में आऊंगा, लेकिन महोदय मैं अभी सिर्फ दो तीन बातें जो तारकिशोर बाबू ने अभी कहा है, मैं पहले उस पर अपनी बात रख देना चाहता हूँ। महोदय, एक बात अभी तारकिशोर जी ने भी कहा और हमारे विपक्ष के माननीय सदस्य, खासतौर से भाजपा के अनेक सदस्य वरीय नेतागण, बराबर हम मीडिया में देखते हैं, चर्चा करते हैं जनादेश के अपमान की, और दूसरी बात कहते हैं विश्वासघात। तो हम आज सदन में जरा समझना चाहते हैं कि हमने किस जनादेश का अपमान किया है, हमने किस विश्वास का घात किया है। हमने बिहार की जनता को ये भरोसा दिया था, विश्वास दिलाया था कि हम नीतीश कुमार के नेतृत्व में आपका विकास करते रहेंगे, और आज भी हम कर रहे हैं। महोदय, हमने क्या विश्वास का घात किया, हमने क्या जनादेश का अपमान कर दिया महोदय। और जब 17 में इनके साथ हम गठबंधन बीच में तोड़ के बनाए थे, तो वो जनादेश का सम्मान था और आज अपमान हो गया। वो सम्मान था और आज अपमान हो गया। महोदय दूसरी बात, क्योंकि आप समय भी कम दीजिएगा, महोदय दूसरी बात, हम बिहार, आप इस सदन के माध्यम से हम बिहार की जनता को आश्वस्त करना चाहते हैं कि बिहार की जनता ने जो हमें भरोसा दिया है, जो हम पर विश्वास और एतमाद प्रकट किया है, वो
बिहार के विकास के लिए किया है। और पहले पहले जब इनके साथ हम थे, पहले जब इनके साथ हम थे महोदय, तो हम 126 की ताकत से बिहार की सेवा कर रहे थे। और आज बहुत प्रसन्नता के साथ हम बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि आज हम 164 की ताकत से बिहार की जनता की सेवा करेंगे महोदय। ये कहाँ कह रहे हैं कि, और अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि हमने बिहार की जनता से जो वादा किया था उसको हम मंजिल से पहुंचने से पहले ही छोड़ दिया। महोदय ये इन्होंने कैसे समझ लिया, हम तो यात्रा के बीच में हैं। और हमने जो वादा किया है, हम आपको भी और पूरे सदन को भरोसा दिलाते हैं कि हमने जो बिहार की जनता को या हमारे नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो बिहार की जनता को भरोसा दिलाया है उसे हम हर हाल में पूरा करेंगे। और आने वाले दिनों में ये बिहार की जनता महोदय देखेगी। अब देखिए महोदय, ये कितना परेशान है कि अभी एक जिक्र कर डाला कि हम लोगों ने एक महादलित को मुख्यमंत्री बनाया और मुख्यमंत्री से हटा दिया। महोदय ये राजनीतिक परिस्थितियां होती हैं और ये हमारी ईमानदारी, हमारे काम करने की पारदर्शिता और हमारे महादलित को सम्मान देने की जो प्रणाली है वो इसी बात से साबित होता है कि आज भी वो महादलित, आज भी जिनकी बात आप कर रहे थे, जरा सोचिए, वो आज भी हमारे साथ बैठे हैं, आपके साथ नहीं बैठे। महोदय ये हमारी विश्वसनीयता है, ये हमारी विश्वसनीयता है और ये हमारे काम करने की पारदर्शिता है कि जिनको आज आप मोहरा बनाना चाह रहे हैं। और हमें मालूम है महोदय, हमें मालूम है कि जब हम लोग फैसला ले रहे थे तो ये लोग अनेक तरह का प्रलोभन दे रहे थे हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी को, लेकिन वो समझ गए कि ये लोग सिर्फ और सिर्फ ये सिर्फ जाल में फंसाते हैं। और जाल में फंसा के क्या करते हैं महोदय, उस पर हम बाद में आएंगे जो हम लोगों के साथ हुआ और ये बताएंगे। लेकिन आपके सब जाल को तोड़ के जिस महादलित नेता और पूर्व मुख्यमंत्री की बात कर रहे थे वो आज भी हमारे साथ है और यही हमारी विश्वसनीयता है महोदय। दूसरी बात जो इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के प्रधानमंत्री बनने के बाद, भाई कब कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हम प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और जनता दल यू और हमारे महागठबंधन ये पूरा सजग है कि प्रधानमंत्री कोई चाहने से नहीं बनता है। इस देश की जनता जिसे चाहती है वही प्रधानमंत्री बनता है और ये हम सभी जानते हैं। हम कोई मुगालते में नहीं रहते हैं या हम कोई ऐसा सपना नहीं संजोते हैं जो मैंने हासिल करने के योग्य हम नहीं हैं। हम अपनी सीमा जानते हैं और हम अपनी सीमा में अपने नेता के माध्यम से इनके नेतृत्व में बिहार को चमकाने का अभी हम लोग काम कर रहे हैं। और आज बिहार चमकता है तो पूरे देश में रोशनी होती है, ये आपने भी देखा है महोदय। और अभी बात कर रहे थे कि ये उप मुख्यमंत्री बदल जाते हैं या गठबंधन बदल जाते हैं, कभी कुछ बदल जाते हैं, तो भाई 2013 के अनुभव की बात भी इन्होंने की, 2017 के अनुभव की बात भी की, तो 13-17 में क्या हुआ था, आप किस खातिर हमारे साथ आए थे। और उन्होंने कह दिया कि बिहार की जनता पर से आपका भरोसा खत्म हो गया है और नीतीश कुमार आपको सत्ता में मैंने आने का अब कोई माहौल नहीं बच गया है। महोदय ये तो बिहार की जनता गवाह है और बिहार की तारीख गवाह है, इतिहास गवाह है कि इनको भी जब जब सत्ता में आना हुआ है तो नीतीश कुमार के पीछे ही लगे हैं, अपने से कभी सत्ता में नहीं आ पाए। हम लोग भले ही नहीं है लेकिन आप जो है
आप शांति शांति महोदय अब बात उठती है गठबंधन में जाने की। अब बात उठती है महोदय गठबंधन में जाने की। अभी देखिए रंग जरा देखिए क्या रंग है। और महोदय ये रंग है जाल में फंसाने का, समझ गए। और ये हम लोग भी महोदय शांति महोदय, हम लोग भी भ्रमित हो गए थे। शांति महोदय, इनके रंग को देख के हम लोग को भी कुछ देर लगा था कि ये लाली कुछ बिहार को भी देना चाहते हैं। और इसी लोभ में महोदय हम यह भी कहना चाहते हैं, और आज हम सदन के माध्यम से बिहार की जनता को भी बताना चाहते हैं जो हमने इनके साथ संबंध क्यों बनाया था। हमने संबंध बनाया था कि हमें डबल इंजन का भरोसा दिलाया गया था, और ये बात कही गई थी कि बिहार की जनता का विकास हम दोगुने गति से कर पाएंगे। लेकिन महोदय एहसास क्या हुआ, इनके साथ जा रहे थे और जो अनुभव हुआ, फिर हमको यही महसूस हुआ कि भाई हमने तो आपके साथ जाके चांद और सितारों की तमन्ना की थी हमने, लेकिन रातों के स्याही के सिवा कुछ नहीं मिला महोदय, रातों के सिवा कुछ नहीं मिला महोदय। और महोदय हम क्या सोच रहे थे, और इनके साथ जाने के बाद हमारा क्या अनुभव रहा, ये महोदय आपके साथ। महोदय हम बहुत चाह रहे थे कि हमें जो कहा गया कि केंद्र हमारे बैठे हैं माननीय मंत्रीगण जो पिछली दफा साथ में थे, एक कोई मंत्री ईमानदारी से बता दें कि इनको कभी केंद्र सरकार ने पूछा कि बिहार को क्या चाहिए, कोई बता दे हमको। हम महोदय हम लगातार मंत्री रहे, महोदय हम मुख्यमंत्री जी के साथ महोदय नितिन नवीन जी, अरे आप ही की बात कह रहे हैं महोदय नितिन नवीन जी की बात से थोड़ा मैं इत्तफाक रखता हूँ, लेकिन 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 सुन लीजिए ना, आपकी बात जो थोड़ी सुनी गई तो आज नितिन गडकरी जी जो आप ही के हम नाम हैं, उन्होंने उनकी हालत मंत्री परिषद में ये बना दी गई है कि वो राजनीति छोड़ने की बात कह रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय आज इनके केंद्रीय मंत्री परिषद में का ये आलम है कि जो नितिन नवीन जी बोल रहे हैं, जो बिहार के हित की बात करता है उसे राजनीति छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है, ये केंद्रीय मंत्री परिषद का महोदय ये उनका आलम है। और हम लोगों का महोदय क्या कहें, हम लोग तो इनके साथ लगातार मंत्री थे, शिक्षा विभाग में भी थे और हमारे बहुत विभाग में थे मंत्री, हम रोज बात होती थी जो भाई भारत सरकार से आपको कोई कभी कुछ पूछा है, हमारे तो समग्र शिक्षा अभियान का हमारे चंद्रशेखर जी हैं, अब ये देखेंगे
कि सैकड़ों करोड़ रुपए का बकाया लगातार चलता है और हमारे शिक्षकों का वेतन भी इनके केंद्र सरकार के हिस्सा का राज्य सरकार को महोदय देना पड़ता है। और हम महोदय अभी बात कर रहे थे दोस्ती और वफाई का, नंद किशोर जी जरूर कुछ बोलेंगे, हमको जरूर उम्मीद है। और जिस हौसला, जिस अरमान के साथ महोदय हम इनके साथ गए थे, हम सदन को बताना चाहते हैं कि दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। महोदय दिल के अरमान आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए। हमने वफा किया लेकिन महोदय हम कुछ ये इनसे हासिल नहीं कर सके महोदय। और महोदय एक बात जरूर मैं सदन के कहना चाहता हूँ कि हमने अपने अलग होने का कारण, जो हमारे बिहार की उपेक्षा थी, जो हमारे सभी मंत्रियों ने महसूस किया है, हो सकता है पार्टी में नहीं बोले, वो इसके साथ ही महोदय राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरीके से देश के इतिहास के साथ मजाक हो रहा है महोदय, आज बड़ी भारी साजिश देश के इतिहास को बदलने की हो रही है महोदय, ये हमारे आपके सब के लिए चिंता की बात है। और महोदय मैं जब शिक्षा मंत्री था तो ये भारत सरकार का एक फरमान देखा कि जो CBSE है उसने अपने पाठ्यक्रम से ये कोल्ड वार यानी शीत युद्ध और गुट निरपेक्ष आंदोलन को पाठ्यक्रम से निकाल दिया। महोदय हमने तत्काल कहा और अपने सरकार की मंशा, लीडर की मंशा जानते हुए, जो ये नहीं लागू करेगा बिहार कभी नहीं लागू करेगा, क्योंकि जो बच्चा इस पूरे विश्व इतिहास में जो द्वितीय विश्व युद्ध नहीं समझेगा, शीत युद्ध नहीं समझेगा, गुट निरपेक्ष आंदोलन नहीं समझेगा, उसे विश्व इतिहास का, अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था का ज्ञान ही नहीं हो पाएगा। ये साजिश चल रही है महोदय, ये साजिश है इतिहास बदलने की। जो कोई और सब चीज में देखिएगा, नया भारत हो रहा है, लगता है जैसे 2014 से पहले इस देश को कोई जानता नहीं था, और गुट निरपेक्ष आंदोलन को हटाने की यही साजिश है कि गुट निरपेक्ष आंदोलन में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महोदय भारत 120 देशों का अगुवाई करता था और भारत का नाम पूरे विश्व में पूरे आदर से लिया जाता था। महोदय ये इतिहास है, लेकिन इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसको बदल देना चाहते हैं, क्योंकि ये साबित करना चाहते हैं महोदय, ये साबित करना चाहते हैं कि क्या खत्म करना है, क्या समय हो गया। तो महोदय हम तो यही कहेंगे कि भाई ये तो अब हो चुका, ये तो हो चुका, अब पिछली बातों को भूलिए और आइए अपने अपने नई भूमिका में हम लोग मिल के काम करें। और अंत में महोदय आपसे इजाजत लेके मैं हरिवंश राय बच्चन जी की चार पंक्तियां कहना चाहता हूं कि भाई आपसे भी कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि जो बीत गई सो बात गई। ये 60 की दशक की महोदय उनकी अत्यंत लोकप्रिय रचना है कि जो बीत गई सो बात गई। मान लीजिए जीवन में एक सितारा था, माना कि बेहद प्यारा था, वो डूब गया तो डूब गया। और महोदय हम तो कहेंगे अंबर आकाश, अंबर के आनंद से पूछो कितने इसके तारे टूटे, कितने इसके प्यारे छूटे, जो छूट गए फिर कहां मिले। लेकिन अंबर के पर बोलो, पर बोलो सुन लीजिए महोदय, पर बोलो टूटे तारों पर कब अंबर शोक मनाता है।
दूसरा जो इनके लिए महत्वपूर्ण है कि जीवन में मधु था एक कुसुम फूल, और आप लोग का तो फूल ही सब कुछ है, है? महोदय जीवन में मधु था एक कुसुम, हम लोग भी थे उस पर नित न्यौछावर हम, लेकिन वो सूख गया तो सूख गया। ये महोदय उपवन के आंगन से पूछो कि सूखी कितनी इसकी कलियां, सूखी कितनी इसकी कलियां, मुरझाई कितनी वल्लड़ियां, पर उपवन के छाती से पूछो कि टूटी सूखी कलियों पर कब उपवन शोक मनाता है। जो बीत गई सो बात गई। आइए महोदय, आइए हम तो कहेंगे कि नई भूमिका में एक चीज जान लीजिए, हम लोग बिहार की जनता का विश्वास लेके आए, और हमने अपने जनता से एक ही वादा किया है कि उसके भलाई का काम करेंगे। ऐसा कोई आपने जनता से वादा किया था कि हम सत्ता पक्ष में रहेंगे तो ठीक है, अने विपक्ष में चले जाएंगे तो हम नहीं सेवा करेंगे, ऐसा कोई वादा किया था? तो महोदय हम तो यही कहेंगे कि आइए मिलकर हम भी नई भूमिका में अपने साथियों के साथ तैयार हैं। जब महोदय हमें इनसे भ्रम टूट रहा था तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं जो हमारे साथी हैं, राजद कांग्रेस माले और बचा क्या। ऐसी स्थिति आई कि सब आपसे अलग हो गया। महोदय पूरे देश में आज NDA खत्म है, एक महोदय हम ही लोग थे, आज NDA में कोई नहीं बचा है। इसलिए आप ये लाल रंग और दिखा के लोगों को भड़काना बंद करिए। महोदय ये लाल रंग देख के मालूम है लोग भड़कता है, बिहार की जनता भड़कती है, इसलिए आइए हम लोग मिलके। महोदय आप कहते हैं तो मैं बैठ जाता हूँ, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में सभी माननीय सदस्यों से मतदान करने का आपके आदेश पर उस मत के समर्थन में अपना विश्वास देने का मैं अनुरोध करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।